हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो मैं आप तक लेके आया हूँ, ये रिगार्डिंग इंटरनेशनल फ्लाइट है। और आपको इंटरनेशनल फ्लाइट में क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सबके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप तक लाया हूँ। और मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है सो दैट कि आप इस अप टू एंड अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप जब अपनी जर्नी प्लान करते हैं तो इन एडवांस प्लान करें सो दैट कि आपका टिकट का फेयर आने और जाने का सस्ता पड़े, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, आप जो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जो जब भी आप ट्रेवल करते हैं तो आपको पता है बैगेज जो है आप ले जा सकते हैं वो है 23 kg के दो बैगेज, जो कि बैगेज चेक इन बैगेज में जाएंगे, मीन्स 46 kg, और 8 kg के बैग जो है वो कैबिन में आप ले जा सकते हैं। तीसरी चीज जो है, क्या नहीं ले जा सकते, जो ग्रेन्स है, फुल सीट ग्रेन्स आप नहीं ले जा सकते आप, और कोई पिकल्स नहीं ले जा सकते। और दूसरी चीज है जो चेक इन बैगेज में आप किसी प्रकार का चार्जर जो है, आपका पावर बैंक है या कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैपटॉप है या किसी प्रकार का एल्कोहलिक आइटम और पिकल्स आप तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं, तो उसके लिए एक और गाइडलाइन है वो आप इसमें नहीं ले जा सकते। तीसरा क्या है, जब भी आप अपना बैगेज पैक करें तो घर में देख लें उसका वेट जो है वो विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड हो। दूसरा क्या है, जब आप जर्नी प्लान करते हैं, इतनी लंबी जर्नी कर रहे हैं, तो आप, मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूं, जब आप कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट के बेंगलोर के लिए स्पेशली जाएं या अदर प्लेसेस आल्सो, तो आप चूंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है, वेल इन एडवांस बेंगलोर के लिए स्पेशली 6 आवर बिफोर यू शुड रीच, यू डू नॉट नो कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आपका छूट सकता है, कुछ रिएक्शन टाइम आपके पास होना चाहिए सो दैट यू विल नॉट गेट एनी प्रेशर। तो दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या है होने चाहिए आपके पास जब आप जाते हैं, तो आपके पास पासपोर्ट विद वीजा अप्रूवल नेचुरली है कि जिस कंट्री में आप विजिट कर रहे हैं वहां का वीजा होना चाहिए, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो डीएल है वो आपके पास सब्सिडी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एंड जो टिकट्स हैं उनकी हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी हैंडी, जैसे ही होता है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्या है, जब आप पहुंच गए तो आपने टैक्सी वैलेंटाइन एयरपोर्ट में जब आप एंट्री करते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो आपका एंट्री में जब आपको पूछा जाता है तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड आप दिखाते हैं और पासपोर्ट दिखाते हैं, उसके थ्रू आपको एंट्री मिल जाएगी। और जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो आपको थ्रू कंप्यूटराइज आपको सामने स्क्रीन होगी तो दिखाई पड़ेगा, वो पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है ऑल द प्रोसेस का, वो भी आप देखिएगा। तो उसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा किस आपको कौन से काउंटर पे जाके आपको बैगेज चेक इन कराना है। बैगेज चेक इन जब आप कराते हैं तो आपको वहां पे कुछ सवाल पूछते हैं वो कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, परपज ऑफ विजिट और आपकी टिकट वो पूछ सकते हैं, तो ये बैगेज चेक इन आपका हो गया। ये भी पूछ सकते हैं कि आपके जो आइटम है कोई चार्जेबल या कोई पावर बैंक वगैरह तो आपने चेक इन बैग में नहीं डाले हैं, बिकॉज अगर डाले होंगे तो वो पास थ्रू नहीं होगा, तो जो है वो आपको कैबिन बैग में ही ले जा सकते हैं। तो ये सब इंक्वायरी होने के बाद तुरंत उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट जो है टर्मिनल 2 बेंगलोर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर आपको जब आप जाते हैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट टर्मिनल 2 में जो है आपका जो फिर इसके स्टेट भी आपका इसके बाद जो हो जाएगा इमिग्रेशन, इसके तुरंत बाद आपको जाना पड़ेगा इमिग्रेशन चेक के लिए। इमिग्रेशन चेक इन बैगेज के बाद आपका इमिग्रेशन चेक में भी सवाल पूछा जाता है। सबसे अटमोस्ट पॉइंट है जो मिस्टर गलती कर जाते हैं कि उनके सामने जो है वहां पर मोबाइल नहीं ऑपरेट करना है, मोबाइल नहीं ले जाना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दे विल आल्सो आस्क यू द हैंडी कॉपी आपके आपके पास होनी चाहिए कि टिकट्स की, रिटर्न टिकट की, वो दिखा दीजिए, एंड देन पूरा आपका जो प्रोसीजर है वो आपको पूछेंगे, पर्पज ऑफ विजिट क्या है कहीं, तो वो आपको नॉर्मल क्वेश्चन इमिग्रेशन में पूछ लेंगे। इसके बाद आपका स्कैनिंग हो जाएगा तो वहां से आप निकल जाएंगे, एंड इसके बाद फिर आपको होगा सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक होने के बाद, सिक्योरिटी चेक में नॉर्मल है कि जो आपके पावर बैंक वगैरह हैं और या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, लैपटॉप है, वो सेपरेट ट्रे में सेपरेट रखें, बेल्ट वॉच ये सब निकाल के आप अलग अलग ट्रे में आपका पूरा आइटम जब स्कैन हो जाएगा। और दूसरा फिर आपका भी पूरा आपके साथ कुछ भी आइटम नहीं होना चाहिए, ओनली द क्लॉथ यू शुड हैव वेयरिंग क्लॉथ, एंड इसके बाद आपका वो चेक थ्रू हो जाएगा। इसके बाद जब आते हैं आप, जब सिक्योरिटी चेक जब हो जाता है आपका, तो फिर आपको
एक्सेस आपको बाहर आप जब आ जाते हैं देन फिर आपको थोड़ा फ्री पैसेज मिल जाता है कि वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत सी चीज़ें उसका भी मैंने रिकॉर्ड किया है, क्या क्या ड्यूटी फ्री आइटम के लिए आप जा सकते हैं, लॉन्च है वहाँ विजिट कर सकते हैं, कई लोग ड्यूटी फ्री आइटम जाते हैं लेते हैं, देन वो चेक है आपकी। एंड देन फिर आपके पास एक दूसरा सिक्योरिटी चेक उधर होता है आपका, कई जगह आप जो है यहाँ पर एक दूसरा सिक्योरिटी चेक होता है, वहाँ बहुत रस भी हो सकती है, तो वो सिक्योरिटी चेक जब आप कंप्लायंस कर देते हैं देन इसके बाद आपको देन यू आर फ्री टू विजिट टू देन फिर आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। बोर्डिंग में क्या क्या सामान आपको मिलते हैं वो क्या क्या है वो मैं आपको आगे जैसी वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया मैं बताऊँगा आप। और आगे क्या आपकी जर्नी फुल होने वाली है, क्या स्टेप है वो सब मैंने रिकॉर्ड किया है, सो आप वीडियो को अंत तक देखिए सो दैट यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। सो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बताया था अब आप वीडियो देखिए, तो अभी हम लोग आ चुके हैं और ये हमारा एंट्री हो रहा है। तो जैसा कि एंट्री पे आपको ये पूछा जाएगा, आप आधार कार्ड है वो आप दिखा दीजिए और टिकट्स, इसके बाद आपका चेक इन जो बैगेज चेक इन के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो वो काउंटर पे जो आपको दिख रहा है टीवी काउंटर के थ्रू पता चल जाएगा कौन से काउंटर पे जा रहे हैं आप, तो वहां से आप जो है आप अपना बैगेज चेक इन करा लीजिए। आपको वेट मैंने पहले ही बताया था, इंश्योर कर लीजिए कि वेट 23 केजी ईच, उसमें सेल्फ 46 केजी चेक इन। अब ये देखिए जैसे काउंटर में दिखाया गया है तो उस तरीके से आपका यहाँ पर बैगेज चेक इन हो जाएगा। दे विल आस्क द क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था उसका जवाब दे दीजिए कि आप किस लिए जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, एंड यहाँ पर आपका ये बैगेज चेक इन हो गया। बैगेज चेक इन की इमीडिएट बाद आप जो है इमिग्रेशन के लिए जाएंगे, ये फुल देखिए एयरपोर्ट पे हो रहा है बैगेज चेक इन। जैसा कि इसके बाद आप जाते हैं इमिग्रेशन, यहां देखिए बोर्ड भी लगा है वे टू इमिग्रेशन, तो अगेन आप तैयार रहिए, आपके पास जो हार्ड कॉपी होनी चाहिए टिकट्स की, मोबाइल फोन वहां पर ऑपरेट नहीं आपको करना है, मैं रिपीटेड बता रहा हूं। अंदर वो क्वेश्चन पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और आप कहाँ काम करते हैं, तो ये बेसिक चीजें हैं वो आपसे पूछेंगे और इस तरीके से आपके इमिग्रेशन चेक होने के बाद अब आप जाएंगे जो सीक्वेंस है सिक्योरिटी चेक के लिए। ये रास्ता जो है अब सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर मिनिमम है जो अपना सेपरेट ट्रे में जो आपका पावर बैंक है और बैचेज है और सब चीज़ें जो है वो आपको अलग अलग उसमें पर्स है सब कुछ जो है अलग अलग ट्रे में रखना है, और जो आपके सूटकेस है जो 8 kg जो आप ले जा सकते हैं केबिन में वो अलग सूटकेस में, बेल्ट आपको रिमूव करके रखनी है, वॉचेस ये सब करने के बाद में नाउ आपका एक्सेस आ जाएगा टू नाउ, ये आपके पास फ्री टाइम मिलता है यदि आपके रिगार्डिंग टू फ्लाइट है। यदि आपकी फ्लाइट सो चूँकि आप पहले जैसे कि मैं जर्नी में बोला था आपने फ्री एडवांस में किया, तो ये आप ड्यूटी फ्री कई चीज़ें होती हैं जो काफ़ी कम कीमत मिल जाती है वहाँ विजिट कर सकते हैं, कई लोग लेते हैं कई चीज़ें ड्यूटी फ्री मिल जाती हैं, एंड देन कैफ्टेरिया वगैरह भी लॉन्च है, तो आप एयरपोर्ट पे भी लॉन्च है कैफ्टेरिया है और वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। दिस इज़ योर फ्री टाइम टिल बोर्डिंग इज़ नॉट स्टार्ट, तो सारी चीज़ें जब आपने अपनी पूरी अच्छे से तैयारी कर ली है तो आप इस तरीके से आप जर्नी को, और यहाँ पर भी बीच में मैं बताता चलूँ जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपनी व्हील चेयर वगैरह बुक कर सकते हैं, थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है उनको कि उनका जो इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह में थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाती है
whether in India or where they are landing there also. And also captain will ensure their कि उनको व्हील चेयर वहाँ पर मिली या नहीं मिली, तो उनकी जर्नी थोड़ा सा इजी हो जाती है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री सेक्शंस हैं, शॉपिंग है, आपके पास टाइम है तो आप शॉपिंग कर सकते हैं और शॉपिंग का मज़ा ले सकते हैं। आप टाइम है तो एयरपोर्ट पे काफ़ी दुकानें हैं, कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी है, टी है आपका, और फूड आइटम्स हैं दैट यू कैन सी। और जिनके पास पासेस हैं लाइक HDFC और जो इनकी बैंक के जो इनको प्रिविलेज मिलती है कि वो लॉन्ज में जाके अपना फ्री जो सर्विसेज वहाँ पर अवेल कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा यदि आपकी फ्लाइट देर से है तो। चूंकि हमारे पास तो टाइम था तो आई हैव जस्ट विजिटेड और सारी कुछ चीज़ें जो है इंक्वायर की ना। ये लॉन्च है, लॉन्च में आप बेसिक सर्विसेज जैसा कि मैंने बताया, दे विल आस्क योर यू नो दैट कि आपको जो फ्री पास मिलता है इंटर करने के लिए जो कि बैंक प्रोवाइड करती है आपको, उसके थ्रू आप अंदर जा सकते हैं। नाउ ये आपका दूसरा जिसका मैं बता रहा था, जिक्र कर रहा था आपको, दूसरा सिक्योरिटी चेक, ये इसमें भी काफ़ी रस रहता है। तो सेम प्रोसीजर है, सेम वे आपको इधर भी जो आपने फर्स्ट सिक्योरिटी चेक में किया था पावर बैंक आउट एंड ऑल वॉच और दूसरे ट्रे में रखा था, उस तरीके से यहाँ से यहाँ पे भी स्कैनिंग होगी। ये जो जो सिक्योरिटी चेक है बिफोर बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट, ये कई कंट्री में होती है, कई कंट्रियों के लिए और कई कंट्रियों के लिए नहीं होती है। तो ये चीज़ जो है आपको बिफोर बोर्डिंग टू सैन फ्रांसिस्को, बेंगलोर टू सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट, ये आपकी बोर्डिंग यहाँ पे ये सिक्योरिटी चेक होगी। और फिर आपको जो जहाज है, आपका जो फ्लाइट है, उस तक का आप जाएंगे आफ्टर दिस सिक्योरिटी चेक ओनली, सेकेंड सिक्योरिटी चेक। जनरली जो एयरक्राफ्ट है बेंगलोर टू सैन फ्रांसिस्को, ये 15 hours 30 minutes लेता है। इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको कंटिन्यूस मिलती रहेगी। जब आप एयरक्राफ्ट में इंटर करेंगे तो आपको एक मिनी स्क्रीन आपके सीट के सामने मिलेगी, और भी बहुत सी कुछ चीज़ें होंगी जो कि मैं आपको बताऊंगा जब आप इंटर करेंगे। और कुछ भीड़ ज़्यादा होती तो कुछ आपको क्वेरल भी मिल जाएगी, जैसे कि अभी हो रहा है, देख रहे हैं थोड़ा अपन लेडीज समवेयर वर्बल फाइटिंग इज गोइंग ऑन। तो ये भी सीन जब ज़्यादा वेटिंग, और क्योंकि सडनली अनाउंस होता है कि इस फ्लाइट के लिए सिक्योरिटी चेक है, तो पैसेंजर भी परेशान हो जाते हैं, तो उस वजह से ये दिक्कत सामने आई। और जब आपकी मैं बता रहा था जब आपका ये सिक्योरिटी चेक ओवर हो जाएगा सेकंड वाला, देन यू विल अलाउड टू एंटर, यू विल मेक ए वे टू द फ्लाइट। यहाँ भी लोग देख लीजिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करने के लिए, और आप बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जस्ट लाइन इसके बाद बोर्डिंग की ये लाइन स्टार्ट है। जस्ट ये देखिए बोर्डिंग पैसेस जो कि आपके एयरपोर्ट स्ट्रक्चर से और एयरक्राफ्ट तक डायरेक्ट बोर्डिंग का पैसेज है, जो इंटरनल पैसेज है उसके थ्रू आप जाते हैं। जब आप गेट तक पहुंचेंगे तो आपको एयर होस्टेस आपकी चढ़ते समय भी आपका टिकट चेक होगा, और जब आप इंटर कर रहे हैं जहाज़ में तब भी टिकट चेक होगा। तो वो फिर गाइड कर देंगे आपको, आपका जो भी सीट नंबर है उस पे आप जाके बैठ जाइए, वो दिखाई पड़ेगा। देखिए एयर होस्टेस हैं तो वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन सी सीट आप किस तरफ, दे विल वेलकम यू। और इस तरीके से आप देखिए अभी जैसे
अपनी सीट पर चले जाते हैं। और ये काफी अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से, वेरी कैलिब्रेटेड मैनेजमेंट। और जैसे ही आप सीट पे बैठते हैं तो आपको जो सीट पे जब आप बैठेंगे तो आपको जो है एक बोतल पानी, पानी की बोतल मिलेगी, एक ब्लू मिलेगा और एक आपको जो ब्लैंकेट मिलेगा एंड देन एक ईयरफोन मिलेगा। ये आपके साथ मिलेगा ईयरफोन, इसलिए कि आप टीवी वगैरह है आप देख, जैसा कि मैंने बताया था ये स्क्रीन आपके सीट के सामने रहेगी। इसमें मल्टी सीरीज, मल्टी जो हिंदी मूवीज़ हैं, इंग्लिश मूवीज़ हैं और भी सीरीज़ हैं वो आप ऑन करके आप देख सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने जर्नी को अच्छा से एंटरटेनमेंट करके प्लान कर सकते हैं। सीट भी काफ़ी एक्सटेंडेबल है, बैक साइड ऑल्सो, सो यू कैन रिलैक्स, यू कैन स्लीप, नॉर्मली लॉग इन कर लें जैसा कि दिखा रहे हैं ये, और काफ़ी कंफर्टेबल होती है। कॉमेडी शो से लेके हिंदी मूवीज और काफ़ी ट्रेंडी जो है, जैसे ये दिखा रहे हैं ये ब्लू मिला है और एक ब्लैंकेट देते हैं, ये जरूरत पड़ती है ब्लैंकेट की, क्योंकि रात के समय थोड़ा ठंडा हो जाता है। और ये ईयरफोन देते हैं, एक वाटर बॉटल देते हैं, तो चार आइटम ये हो गए। फिर विद इन 2 आवर्स ये पूरा फूड सप्लाई आपको कर देंगे, वेज नॉन वेज जो भी है आपने पहले से टिक करके रखा होगा, और नहीं भी तो पहले वो आप बता दीजिए, जब इंटर करते हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है। सीट का भी आप अगर किसी का फैमिली साथ में ट्रेवल कर रही है, इधर उधर सीट है, तो यू कैन टेल ड्यूरिंग द इशू ऑफ बोर्डिंग पास। मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, जब आप बैगेज चेक इन करते हैं तो उस समय ही वो आपको बोर्डिंग पास भी दे देते हैं, तो उसके थ्रू उस समय बता सकते हैं। इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि इसमें दिखा रहा है टोटल टाइम कितना लगेगा और कितने बजे जो है आप वहाँ पर लैंड होगा और कितने एल्टीट्यूड पे फ्लाइट आपकी, कितने पे आपको फ्लाइट कितने एल्टीट्यूड पे होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और ये जो द मोमेंट, ये देखिए ये जो इसके बारे में बता रहा है, मूवीज़ म्यूज़िक ये सब आप इसमें कर सकते हैं। ये फ्लाइट चल दी है, मतलब टेक ऑफ इसका हो चुका है, दैट्स वाई आप नीचे देख रहे होंगे बेंगलोर टू SFO सैन फ्रांसिस्को BLR2, तो ये डिस्टेंस दिखाता रहता है। इसमें काफ़ी प्रोग्राम होते हैं वो आप देख सकते हैं, और बीच बीच में आपको हर एक दो घंटे के बाद कुछ ना कुछ आपको टी, कॉफ़ी, स्नैक्स और ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आपको वेबरेज ये सब आपको मिल जाते हैं खाने पीने के लिए, लंच डिनर सब हो जाता है। इसमें जो बियर्स जो एल्कोहलिक हैं वो एल्कोहल भी मिलता है, उसकी भी एक लिमिट है, वो भी आप ले सकते हैं इसमें। और एक चीज़ और है मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी में जो प्लान ऐसे करें कि आप हर 2-2 घंटे के बाद जो है लॉन्ग वॉक जो है थोड़ा सा जहाज़ में ही ट्रेवल कर लें, रात काफ़ी थोड़ा बड़ा होता है तो क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन आपको जो होता रहेगा, सो दैट कि आपकी जो नसें हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहेंगी और आपको टायर्डनेस नहीं फील होगी, अच्छा सा मेंटेन होता है। डोमेस्टिक में तो 4 बाथरूम होते हैं, इसमें नियर अबाउट 10 बाथरूम हैं, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। क्लीनिनेस बहुत अच्छी मेंटेन होती है, तो वो भी एक चीज़ है इसमें। तो ये इस तरीके से, और विद इन 2 आवर्स जैसे कि मैंने बताया आपका जो भी इनका एक रूटीन प्रोग्राम होता है बीवरेज सेक्शन में कि लंच डिनर और इसका, वो ये इस तरीके से अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और उसके बाद जो है आप अपने जो पीछे जर्नी को आप ले सकते हैं। एक अपना मैं एडवाइस करूँगा, एक नेक वाला जो है ब्लू आप ऑर्डर करके ले सकते हैं, सो दैट कि आप
अच्छे से अपना, अगर किसी को जो नेक में है जैसा कि ये आपको दिखाई पड़ रहा है तो वो ले सकते हैं आप। और ये देखिए वेज नॉन वेज की वैरायटी रहती है, इस तरीके से आपको मील सप्लाई हो जाएगा। मील्स में जैसे राइस है और पनीर है और आपका स्वीट है, और ये सप्लाई करते हैं वेजिटेबल्स एंड और भी चीज़ें इसमें काफ़ी रहती हैं। और नॉन वेज में चिकन है और इस तरीके की चिकन बिरयानी, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। आपका जो सीट है उसके ऊपर आपका यू कैन कंट्रोल लाइट एंड जस्ट दिखा रहे हैं, लाइट एंड जो भी है आपका एसी वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कम और ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। नियर अबाउट इस जो एयरक्राफ्ट की जो एयर इंडिया फ्लाइट होती है इसकी कैपेसिटी नियर अबाउट 300 है पैसेंजर कैपेसिटी, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अभी अपग्रेड मतलब अच्छी हो रही हैं। और सिंस ये लास्ट 2 ईयर्स यदि आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ होगी तो इसको टाटा ने एक्वायर किया है, तो कंटिन्यूसली इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये जहाँ पर है अपना एयर होस्टेस का काम आफ्टर डूइंग दिस दे जस्ट जो भी है फूड सप्लाई मील सप्लाई अपने करते रहते हैं, और आपको जिस अकॉर्डिंगली तो पता नहीं चलता है, 15 घंटे की जर्नी ज़रूर है लेकिन वो इतना आप मूवी देखेंगे, मूवी देखने के बाद अपना प्लान कर लें, थोड़ा सा रेस्ट ले लें, फिर रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा लंच डिनर कॉफ़ी टी हो जाता है, तो 15 घंटे की जर्नी किधर निकल जाती है ये पता नहीं चलता है। और ये भी ब्रदर मैं व्यूअर्स बताते चलूँ आपको कि इन सब चीज़ों मील के साथ आप ये देखिए एक जहाज़ जो एक फ्लाइट इतनी लंबी फ्लाइट जो कि नियर अबाउट 15.5 आवर्स विदाउट एनी स्टॉपेज इन बिटवीन बेंगलोर से उड़ती है, और ये टेक्नोलॉजी का कमाल ही है कि सैन फ्रांसिस्को तक ये आपको पहुंचाती है। अमेरिका के लिए अभी तो बहुत जगह से भी फ्लाइट जैसे दिल्ली से भी आपके लॉस एंजल्स और वगैरह और मुंबई से फ्लाइट है, बेंगलोर से सीधे सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट ये एयर इंडिया की होती है और ये आपको पहुँचाती है। तो बियर्स अब देखिए खाना खाने के बाद में क्या होता है कि पैसेंजर्स जो है अपनी नींद ले सकते हैं बढ़िया से, और जिनको घूमना फिरना है तो वो 2-3 चक्कर अपने लगा लेते हैं सो दैट ब्लड सर्कुलेशन ना हो। एनी हाउ 15 एंड हाफ आवर्स की जर्नी पास करनी है। यू कैन जस्ट ग्लांस आउटसाइड आल्सो। तो इस तरीके से पूरी ट्रेवल लगातार यू कैन से 15-15.5 घंटे उड़ना और विदाउट एनी स्टॉपेज आप एंजॉय इस जर्नी का कर सकते हैं। तो यही है मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद, ये था कि व्यूअर्स को मैं बता पाऊँ कि आप जो चीज़ें हैं प्रतिबंधित जो चीज़ें हैं वो ना ले जाएं, और पहले से ही अपनी प्रिपरेशन जो इंटरनेशनल फ्लाइट की बुकिंग वगैरह तो लोग पहले से करते हैं तो फायदा भी होता है कि उनका टिकट रिटर्न ऑन बर्ड एंड रिटर्न चीप मिल जाता है, पहले से कर लें, अपना बैगेज क्या ले जाना है डिसाइड कर लें। नो ग्रेन्स, अगेन रिपीट, नो ग्रेन्स आर परमिटेड, और जो है आपको ग्रेन्स कोई आपको जो राशन जो दालें हैं वो नहीं ले जा सकते आप, पूरी बंद दालें नहीं ले जा, अगर ले जाना है तो तोड़ के दालें ले जा सकते हैं, मतलब सीड टाइप आइटम गेहूँ है राइस है ये सब आप नहीं ले जा सकते। जनरल मेडिसिन आप ले जा सकते हैं, और जिनको लंबे समय के लिए मेडिसिन लेना है वो अपने जो है डॉक्टर से प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन लिखवा के उनको वो ले जा सकते हैं वहाँ पर, और क्योंकि उसमें ड्यूरेशन लिखी होनी चाहिए
दूसरा एक चीज़ और बताएं, जो लंबे समय के लिए जाते हैं तो उनको जो ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यूएसए में आया हूँ तो यहाँ पर जो मेडिकल का सबसे बड़ा दिक्कत है, इफ़ यू आर विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस देन इट इज़ वेरी हार्ड टू जस्ट गेट इन, बिकॉज आपको मेडिकल लेना ही पड़ेगा, बिकॉज बहुत कॉस्टली मेडिकल है इधर, तो यूएसए हो तो इसके लिए आपको मेडिकल लेना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाया है उन दर्शकों के लिए जो जानना चाहते हैं कि जो है यूएसए या इंटरनेशनल फ्लाइट स्पेशली हम जब जाते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, वो उस हिसाब से वो कर सकते हैं उधर। सो व्यूअर्स, तो मैंने इस पर्पस के लिए ही ये वीडियो बनाया कि उन दर्शकों तक पहुंच पाए जो इनको जिनको की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, उनको कोई भी दिक्कत इसमें ना महसूस हो पाए। सो ये व्यूअर बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड आई होप कि आई कुड आंसर ऑल द योर क्वेश्चंस, और भी कोई चीज़ें हों तो मुझे वीडियो के थ्रू आप ज़रूर बताइएगा। और अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड यहाँ पर एक चीज़ और बताऊं कि मैं थोड़ा सा जब आप यूएस में जब आप लैंड हो जाते हैं तो वहाँ पर भी बेसिक क्वेश्चन इमिग्रेशन के हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आप पर्पस ऑफ योर विजिट क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो वो एड्रेस और आप अगर आप आपका प्रोफेशन पूछ सकते हैं, आपका रिगार्डिंग योर ट्रेवलर इंश्योरेंस वो पूछ सकते हैं, तो दीज आर ऑल द इंफॉर्मेशन दे कैन आस्क यू, एंड देन आप कितना वट एवर सपोज आपका रिगार्डिंग एक कोई आपका मेडिकल इंश्योरेंस आप लेके आए हैं या ट्रेवलर इंश्योरेंस लेके आइए, ये आपकी जर्नी को किसने फाइनेंस किया है, और क्या आप जो है कितना आप डॉलर लेके आए हैं, और क्या है और क्या रिटर्न टिकट है आपकी, ये सब इमिग्रेशन उधर भी है, सेम क्वेश्चन उधर भी पूछे जाएंगे, देन यू विल बी परमिटेड फॉर फुल क्लियरेंस, देन यू विल कलेक्ट योर आइटम फ्रॉम पर्टिकुलर, आप जो उस बेस से आप अपना आइटम कलेक्ट करके आप अपनी जर्नी को कंक्लूड कर सकते हैं। सो वियर वंस मोर हाउ यू लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो थ्रू द मैसेज बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक यू एट सैन फ्रांसिस्को।